ये कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने आते ही सोच लिया था बॉलीवुड की विरासत में इन्हें जरूर जगह मिलेगी। हम बात कर रहे हैं मशहूर मारूफ मॉडल और अभिनेत्री पूजा बत्रा के बारे में। पूजा बत्रा का जन्म हुआ 27 अक्टूबर सन 1974 में। इलाका था उत्तर प्रदेश का फैजाबाद। इनके पिता रवि बत्रा आर्मी में कर्नल थे, माँ नीलम बत्रा कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हालांकि इनकी मम्मी ने सन 1971 के मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया था और इसी वजह से पूजा बत्रा भी मॉडलिंग की तरफ आई। आज मैं पहली बार तुम्हारे घर जा रही हूँ। जरा सोचो मेरे इन कैजुअल कपड़ों को देख के तुम्हारे डैडी क्या सोचेंगे। सोच रही हूँ क्यों ना मार्केट से एक खूबसूरत सी ड्रेस खरीद लूँ जिसे देख के सब खुश हो जाएंगे। पूजा बत्रा अपने स्कूल के दिनों में अच्छी धावक भी थी और ये बात कमाल की है कि इन्होंने ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से। ये भी कमाल है कि पुणे के ही सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से इन्होंने एमबीए किया, वो भी मार्केटिंग में। इनके दो भाई हैं और ये मिस एशिया पैसिफिक में तीसरे नंबर पर आई थी। साल था सन 1993। ये बहुत ही कम उम्र में दरअसल मॉडलिंग में आ गई थी। लिटिल सोप का एड बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन जब मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का ताज इनके सर पे आया तब तो इन्होंने बुलंदियां छू ली। पूजा बत्रा ने बहुत से फिल्म ऑफर्स त्याग दिए थे। ये चाहते थे कि पहले इनकी पढ़ाई हो और फिर सन 1997 में फिल्म आई विरासत। इस फिल्म ने दिखाया कि पूजा बत्रा कितनी खूबसूरत हैं, कितनी अच्छी अभिनेत्री हैं। और उसके बाद तकरीबन 20 फिल्मों में ये नजर आई। हसीना मान जाएगी, दिल ने फिर याद किया, कहीं प्यार ना हो जाए। तुम एक आम इंसान नहीं, दुनिया के 8th वंडर हो घनश्याम। मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगी और दुनिया को बताऊंगी कि देखो इतना बड़ा और महान कलाकार कैसे गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। पूजा बत्रा दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी नजर आईं। पूजा बत्रा ने अलग अलग स्कूल्स में अपनी पढ़ाई की। उसकी वजह यह रही कि इनके पिता का जॉब ट्रांसफरेबल था। पूजा बत्रा का नाम खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा, लेकिन उसके बाद तमाम खबरें इस साइड हो गईं और धीरे धीरे पूजा बत्रा भी फिल्मों से दूर होती चली गईं। एक्सीलेंट मिस्टर धोखेबाज। रूपा खबरदार मेरा नाम भी मत लेना, अंधा बनने का नाटक किया तुमने मेरे साथ। रूपा वैसे भी प्यार में आदमी अंधा तो हो ही जाता है। ओ शट अप, भगवान तुम्हारी हर आरजू पूरी करेगा, एक आरजू छोड़ के वो है मुझे पाने की। एंड आई हेट यू। इनकी शादी हुई ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सोनू एस आहलूवालिया से और ये फिर अमेरिका की तरफ रुख कर गए। वो और बात है कि सन 2002 से 2010 तक इनकी शादी जरूर चली, पर 2011 में इन्होंने तलाक की अर्जी दी। पूजा बत्रा उन गिनी चुनी मॉडल्स में से हैं जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बुलंदियां छुई, फिल्मों में भी अच्छा काम किया, पर जिस तरह की सफलता की उम्मीद की जा रही थी वो इनसे जरा दूर रही। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।